चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे बड़ी खबर का। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, महेंद्रगढ़ में नहर में कार गिरने का मामला सामने आया है। अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार, कार में सवार लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो महेंद्रगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नहर में गिरी कार और कार की क्या स्थिति है, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हालांकि कार सवार लोगों को निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उपचार जारी है। महेंद्रगढ़ दादरी हाईवे पर गांव पाली के पास का ये हादसा है, नहर में कार गिरने का ये मामला, ये हादसा सामने आया। बताया गया कि डिवाइडर से टकराकर कार अनियंत्रित हुई और नहर में जा गिरी, कार सवार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अक्षय यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अक्षय, नहर में कार गिरने का मामला सामने आया है, क्या अधिक जानकारी इस हादसे से जुड़े? बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला महेंद्रगढ़ से जो स्टेट हाईवे 148 भी है वो सरकी दादरी की ओर जाता है, उस पर ये पूरा हादसा और गांव पाली के पास से नहर गुजरती है जहां पर एक गाड़ी थी उसकी जो स्पीड है वो अधिक बताई जा रही है। उसके बाद वो गाड़ी डिवाइडर से टकराती है तथा अनियंत्रित होकर पास में जो नहर लगती थी उस नहर के अंदर जो गाड़ी उतर जाती है। उसके बाद आसपास के लोगों के द्वारा उस कार के अंदर बताया जा रहा है कि एक युवक और एक युवती जो सवार थे उनको निकाला जाता है तथा उपचार के लिए महेंद्रगढ़ पहुंचाया जाता है। फिलहाल एक जो निजी अस्पताल है उसके अंदर जो उनका उपचार है फिलहाल जारी है। पुलिस को पूरे मामले की जो सूचना लग चुकी है तथा पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच के अंदर जुटी हुई है और फिलहाल उन दोनों का एक निजी अस्पताल के अंदर उपचार चल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अक्षय, पूरी जानकारी आपने दी। तो कार में एक युवक और युवती सवार बताए गए, दोनों को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उपचार जारी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार डिवाइडर से टकराने के चलते कार का बैलेंस बिगड़ा, कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिसके चलते हादसा पेश आया।